याति यामं गतर संपूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामिध्यम् भोजनम तामस प्रियम। अब तामसी आदमी का रजोगुण का नीचा हिस्सा ही तामस है, थोड़ा भेद पड़ेगा। तामसी भोजन के बारे में भगवान कहते हैं याति यामम, जो जिसके ऊपर याम, याम कहते हैं पुराने जो टाइम फैक्टर्स थे उनमें ये आठ याम होती थी, आठ याम 64 घड़ी। याम को प्रहर भी कहा है, अष्ट प्रहर 64 घड़ी, आठ प्रहर में 64 घड़ी हुआ करती थी पुरानी भाषा में। तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है, ऐसे 24 घंटे काउंट हुए हैं दिन और रात के। तो याम यहां कहा यात यामम, जिसके ऊपर 3 घंटे से पहले बनाया हुआ भोजन है, 3 घंटे बाद खाया जा रहा है, वो तमोगुण है। तमोगुणी बुद्धि देगा, तमोगुणी विकास करेगा तुम्हारा। 3 घंटे पहले बनाया हुआ भोजन। एक यहां पर विशेष छूट दिए बड़े महापुरुषों ने कि जो भगवान को अर्पण किया हुआ, भगवान को जो भोजन को अर्पण कर दिया है, वो प्रसाद रूप में जो भोजन है वो चाहे 12 घंटे का भी ठंडा हो तो भी वो आपको शुद्ध बुद्धि देगा। लेकिन भगवान को जो भोजन अर्पण ही नहीं हुआ और 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पुराना है, वो तमोगुणी भोजन कहलाया है। याति यामम, जिसके ऊपर एक याम, एक प्रहर गुजर गया। मान लो सुबह तैयार किया भोजन 10 बजे और अभी 4 बज गए, वो भोजन आपको सतोगुणी बुद्धि नहीं देगा। ताजा भोजन होना चाहिए, 3 घंटे के भीतर भीतर किया जाने वाला भोजन होना चाहिए। इसलिए तो लोग गरम गरम भोजन खाते हैं, गरम भोजन, ताजा भोजन, गरम भोजन जो अभी अभी बनाया है उसका महत्व अधिक है, और जो बासी पड़ा है याति यामम है, वो भोजन जो है तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि देगा। याति यामम गत रसम, जिसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस है, स्वादिष्ट नहीं है, वो भोजन भी आपको तमोगुणी बुद्धि देगा। उधर सतोगुणी भोजन में गया रसयुक्ता, रसह रश्या, रश्या ने रसयुक्त, जो रसयुक्त है, जूसी जूस जिसके अंदर भरा है, रस यानी स्वाद, रस क्या है स्वाद, टेस्टी। इधर कहा है जो टेस्ट नहीं है, जिस भोजन में टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, वो तमोगुणी है। याति यामम गत रसम पूति पर्युषितम क्षयत, पूति यानी बासी भोजन, बासा हो गया है, बास मारने लग गई है, पर्युषितम दुर्गंध फैल गई है, उच्छिष्टम चापि में उच्छिष्ट यानी झूठा, आपने भोजन किया और जो बच गया उसको बांध के पैक करके रख दिया, फिर दोबारा 2-4-6 घंटे में उसी को उठा के खाया, यह उच्छिष्टम। या किसी ने झूठा छोड़ दिया, उसको आपने पैक करके रख दिया या उसको खाया, यह भी आपको तमोगुणी बुद्धि देगा। झूठा भोजन उच्छिष्टम, खुद का भी झूठा क्यों नहीं हो। जैसे आपने गिलास से पानी पी लिया और रख दिया, झूठा हो गया पानी। अब इसी पानी को आप 2-4 घंटे बाद फिर आके पियेंगे, ये पानी आपको शुद्ध बुद्धि नहीं देगा, ये झूठा भोजन है। ऐसे ही आपने भोजन किया थाली में डाल करके और आधा तो खा लिया, आधा बच गया, अब इसको पैक करके आपने रख दिया, फिर आके इसी को खा लिया, ये तमोगुणी बुद्धि देगा। या किसी ने दूसरे ने झूठा छोड़ दिया, चाहे वो आपका भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, पति क्यों ना हो, और उस झूठे भोजन को आप खा रहे हैं,
वो भी आपको तमोगुणी बुद्धि देगा। उच्छिष्टम, एक ही छूट दिए यहां पर महापुरुषों ने, संतों ने, कि गुरुजी का झूठा खा लेना, कि गुरुजी इतने ऊंचे स्तर पर हैं कि उनकी झूठ खाने से आपको बुद्धि शुद्ध आएगी, बाकी नहीं, मना किया है। उच्छिष्टम, झूठा भोजन है, तमोगुणी भोजन। उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, चामेध्य कहते हैं जो छूने लायक नहीं, जो टचेबल नहीं है, उसको छूने, अनटचेबल है, छूने का मन भी नहीं करता। सतोगुणी पुरुष जिस भोजन को छूते भी नहीं, ऐसे तो तमोगुणी तो खाएंगे ही, छू के ही, वो तो अंदर ही डालेंगे। जो छूने लायक नहीं है, किनके लिए? सतोगुणी पुरुषों के लिए। सतोगुणी पुरुष मांस को छूते नहीं, हाथ नहीं लगाते, अंडे को, आमलेट को, दारू को, शराब को नहीं छूते, दूर रहते हैं कि दूर उठा भाई तू दूर कर। चामेध्यम ये है अनटचेबल, जिसको छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा भोजन तमोगुणी भोजन है, जो छूने का भी धर्म नहीं, खून मांस इसको नहीं, सतोगुणी आदमी नहीं छुएगा। शराब को क्यों छुएगा सतोगुणी आदमी जाकर के? कोई संत महात्मा शराब को छुएगा? नहीं, वो नहीं छुएगा। या मांस को छुएगा? नहीं छुएगा। यात यामम गत रसम पूति परियुषितम चयत, उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, ये तामसी व्यक्ति को ऐसे भोजन पसंद है, प्रिय है, पसंद ही नहीं है, प्रिय है। तामसी आदमी को जो अंधकार में जीता है, तो इसमें याति आमम, 3 घंटे से पहले बनाया हुआ, गत रसम जो टेस्ट ही नहीं, टेस्ट लेस, पूती जो बासी हो गया है, सड़ गया है, परियुषितम, पूती यानी बासी हो गया है, परियुषितम यानी सड़ गया है, दुर्गंध मार रहा है। बंदर भी सूंघ लेता है और खुशबू नहीं है, फेंक देता है, लेकिन तब मनुष्य है ऐसे समाज में जो दुर्गंध युक्त भोजन करते हैं। लेकिन उनको वो दुर्गंध भी सुगंध लगती है, शराब में कितनी भी दुर्गंध हो, या सिगरेट में, या हेरोइन में, या मांस में, सड़े हुए मांस में, उस दुर्गंध को भी वो सुगंध ही मानते हैं। कोई शराबी से पूछो, वो शराब की खुश, अभी तो इत्र चले हुए हैं, सेंट स्प्रे, वो शराब के नशे व शराब की उस स्मेल है उनके अंदर, वही चलते हैं ज्यादा, सारे संसार में वही सबसे ज्यादा स्प्रे बिकता है, इत्र सेंट, जिसमें शराब जैसी बात आ रही हो। तो समाज नीचे से ऊपर तक तमोगुण में जिएगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। याति आमम गत रसम पूति परियुषितम चयत, उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये तमोगुणी अंधकार में जो जीने वाले व्यक्ति हैं, जिनका स्वभाव अंधा है, विचारधारा अंधी है, जिनकी बुद्धि अंधी है, वो लोग ऐसा ही भोजन करते हैं, अंधा ही भोजन करते हैं, तो उनका विकास कैसे होगा? अंधे अंधा ठेलिया, दोनों ही कूप पड़ंत, ये तो दोनों ही कुएं में पड़ने वाले, जाके गुरुजी अंधड़े चेला खरा निरंध, जिनके गुरुजी मार्गदर्शक या सलाहकार या मित्र मंडल अंधे हैं, वो जो सलाह देंगे वो तो अंधा बनाने की सलाह देंगे, आपको अंधा ही बना डालेंगे। जाके गुरुजी अंधड़े चेलो खरो निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों ही कूप पड़ंत, तो ये कुएं में पड़ेंगे अंधकूप में, जहां काले नाग मंडरा रहे, फणकार मार रहे हैं। तमोगुणी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तमोगुणी
नरक में ढकेल दिए जाते हैं। ढकेलना नहीं, धक्का मार देना उनको। ये नहीं कोई विमान आता है लेने के लिए कि चलिए साहब आपने बहुत चमत्कारिक काम किए हैं, नरक में जाने के काम किए हैं, आइए आपको विमान लेके आए हैं नरक से हम लोग। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुणी पुरुषों को नरक में धक्का मार दिया जाता है, नरक की ओर ढकेल दिया जाता है। वहां जन्म जन्म दर जन्म वो अंधकूप अंधकार में नरक में जीते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। ऐसे असुर दुष्ट राक्षस कहलाते हैं जो अंधकार में जीवन जीते हैं, अंधकार में काम करते हैं, संसार में विष पैदा करते हैं। ये अंधतम लोग हैं, चाहे वो टेरर हो, ये चोर हो, ढाकू हो, अत्यारे हो, समाज दूषित समाज के ये लक्षण हो जाते हैं पैदा। तो इनके भोजन बिगड़ जाते हैं। आरस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रश्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। इस सत्वगुणी मनुष्य के भोजन बतलाए भगवान ने। काटु अम्ल लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहिना आहारा राजसेष्टा दुख शोकामय प्रदा। ये रजोगुणी पुरुष के दुख देने वाले, चिंता पैदा करने वाले रजोगुणी आहार हैं, बीमारी पैदा करने वाले। याति आमम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ये तमोगुणी पुरुष के भोजन बतलाए, सड़े बासी गंदे झूठे छूने लायक भी नहीं, ऐसे भोजन तमोगुणी पुरुष को ज्यादा पसंद आते हैं। तो तमोगुणी पुरुष हो या रजोगुणी हो या सतोगुणी हो, सतोगुणी पुरुष परमेश्वर की ओर यात्रा कर सकता है। ये जागृत प्राणी है, इसके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अब ये आगे बढ़े या न बढ़े, सतोगुणी पुरुष शुद्ध शुद्ध सत्व में स्थिर हो सकता है, परमात्मा की गोदी में चरणों में जा सकता है। रजोगुणी सतोगुण स्तर पर आ सकता है, तमोगुणी भी रजोगुणी स्तर को भी क्रॉस करके सत्वगुण में आ सकता है, और सत्वगुणी के लिए दरवाजे खुले हैं परमात्मा के। सिर्फ यू टर्न लेने की जरूरत है। आप चाहे हजारों मील दूर चले गए लेकिन गलत दिशा में चले गए, अभी यू टर्न ले लो। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, स्वयं भगवान के वाक्य हैं, इनको मान लो तो आप सुखी हो जाओगे, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, आप आनंद के धनी बनोगे, सुख के स्रोत झरने आपके हृदय से फूट निकलेंगे, सुखी सुख बरसेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जैसे भोजन तीन प्रकार का होता है, ऐसे यज्ञ दान और तप ये भी तीन 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 फैकल्टीज में बांटा है, ये भी रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी होते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। हे अर्जुन इसे भी तो सुन, इनमें भी भेद है। यज्ञों में यज्ञ भी तीन प्रकार के बतलाएंगे भगवान, दान भी तीन प्रकार का होता है और तप भी। तप क्या है, यज्ञ क्या है और दान क्या है, ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए।
यज्ञ अंग्रेजी में इसका शब्द मिलता है सैक्रिफिकेशन। जो हम कोई चीज बलिदान करते हैं भगवान के श्री चरण कमलों में न्योछावर करते हैं उसको यज्ञ कहा है। बलि देते हैं, नारियल बलि देते हैं, आहुतियां देते हैं, हवन करते हैं, उसके साथ में सुंदर भगवान का व्यंजन बना के उनको भोग लगाते हैं और आने वाले आगंतुकों को खिलाते पिलाते हैं, रिश्तेदार बंधु बांधवों को वस्त्र देते हैं, दान करते हैं। दान की महिमा है, यज्ञ की महिमा है, तप की महिमा है। यज्ञ तपस तथा दानम तेसाम भेदम, इनमें भेद है। यज्ञ तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई तमोगुणी यज्ञ करता है, कोई रजोगुणी यज्ञ करता है, कोई सतोगुणी यज्ञ करता है। सभी करते हैं संसार में यज्ञ, तप भी करते हैं लोग। तप करते हैं तभी तो बिल्डिंगें बनती हैं बड़ी बड़ी। तप यानी मेहनत, कड़ी मेहनत। लेकिन कोई रजोगुणी तप करता है, चले दिल्ली की ओर पद को प्राप्त करने, ये रजोगुणी तप है, बड़ा परिश्रम है। जीत गए तो वाह वाह, नहीं हार गए तो तोते उड़ जाते हैं मुंह के, या पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो भी तोते उड़ जाते हैं, रो पड़ता है चेहरा। तप है, मेहनत बड़ी है इसमें। कहां से जागरण शुरू करना है, कहां से प्रारंभ करनी है, कहां से लोगों को जगाना है कि भैया वोट मुझे ही देना, सब घर बार छोड़ देना पड़ता है। किधर बच्चे हैं, किधर पत्नी है, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कहां गए पापा आज 4 बजे उठ के, अरे बेटा वो वोट वालों को समझाने गए हैं कि वोट मुझे ही देना, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भी तप है, ये रजोगुणी तप है, तमोगुणी तप है। तमोगुणी व्यक्ति भी तप करता है, रजोगुणी भी करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तीन गुणों में ये तप होते हैं, और तप की फैकल्टी भी शरीर में तीन जगह है, मन का तप है, वाणी का तप है और शरीर का तप है। तो आइए इसी संदर्भ में हम आगे प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम शांति शांति शांति। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं श्रुणु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन जिस प्रकार से तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार से यज्ञ दान और तप भी तीन प्रकार के होते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं श्रुणु। हे अर्जुन मुझसे ये भी सुन कि किस प्रकार से यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं और तप तीन प्रकार के होते हैं और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भगवान ने आहार के विषय में बतलाया, श्रद्धा के बाद